देश में कोरोना वायरस का कहर ताही जा रहा है और इसके मरीजों की संख्या 8300 से पार हो चुकी है। इस बीच खबर है कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने के प्रस्ताव पर केंद्र की मोदी सरकार देश को 3 जोन में बांट सकती है। सरकारी सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार कोविड-19 मामलों की संख्या के आधार पर देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटने पर विचार कर रही है। इस तरह के जोन में बांटकर सरकार कुछ छूट दे सकती है। बता दें कि लॉकडाउन की मियाद 14 अप्रैल को खत्म हो रही है। कई राज्यों ने इसे बढ़ाने की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि क्या है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन। सरकारी अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि जहां सबसे ज्यादा कोरोना के केस आए हैं उसे रेड जोन में रखा जाएगा। रेड जोन में पूरी तरह लॉकडाउन होगा। इसमें वे इलाके शामिल होंगे जहां संक्रमित लोगों की संख्या बहुत अधिक है। ऑरेंज जोन में वे इलाके या जिले शामिल होंगे जहां कोरोना वायरस के काफी कम मामले सामने आए हैं और पॉजिटिव मामलों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में फसलों को काटने और सीमित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत दी जा सकती है। वहीं ग्रीन जोन में उन इलाकों को शामिल किया जाएगा जहां कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। ग्रीन जोन में आने वाले कुछ छोटे उद्योगों को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है, मगर कर्मचारियों को कंपनी में ही रहने को कहा गया है। साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरा पालन करना होगा। बता दें कि सरकार पहले ही इशारा कर चुकी है कि देश को पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि मोदी सरकार कुछ उद्योग धंधों को छूट दे सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने पहले ही मछली पालन और बिक्री से जुड़ी गतिविधियों को लॉकडाउन से छूट दे दी है। शुक्रवार को केंद्र सरकार ने मछलियां पकड़ने या समुद्री जलीय उद्योग को लॉकडाउन से छूट देने के लिए आदेश जारी किया था। इसके साथ ही मछली बेचने, खरीदने और उनकी पैकेजिंग समेत विभिन्न समुद्री गतिविधियों के लिए भी छूट मिल गई है। फिलहाल देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया है, मगर 14 अप्रैल को खत्म हो रहे लॉकडाउन से पहले ही कई राज्यों ने 30 अप्रैल तक इसकी अवधि बढ़ा दी है। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारों ने भी 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कोरोना से जुड़ी और भी अपडेट जानने के लिए देखते रहिए मीडिया।